हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा इंडियन पॉलिटी चल रहा है और इसमें हम डिस्कस कर रहे थे लोकसभा से रिलेटेड क्वेश्चन। तो लोकसभा के पहले के 18-19 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आज हम डिस्कस करेंगे आगे के क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ रिजर्व्ड सीट्स फॉर द शेड्यूल ट्राइब्स इन लोकसभा। लोकसभा में शेड्यूल ट्राइब से जो रिजर्व्ड सीट है वो सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट में से है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि लोकसभा में टोटल नंबर ऑफ रिजर्व्ड सीट्स कितनी है। तो लोकसभा में टोटल जो रिजर्व्ड सीट्स है वो है 131। आउट ऑफ दिस 131 सीट्स जो 84 सीट्स है वो रिजर्व है एससी के लिए और जो 47 सीट्स है वो रिजर्व है एसटी के लिए, राइट। और ये जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ रिजर्व सीट्स है शेड्यूल ट्राइब्स की बतानी है हमने, और शेड्यूल ट्राइब्स की सबसे ज्यादा रिजर्व सीट कौन सी स्टेट की है, तो वो है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की कितनी सीट्स रिजर्व है शेड्यूल ट्राइब्स की, तो वो है टोटल 6। नेक्स्ट है, राज्यसभा कैन डिले द फाइनेंस बिल सेंट फॉर इट्स रिकंसिडरेशन बाय लोकसभा फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ। अब राज्यसभा फाइनेंस बिल होता है वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस होता है लोकसभा में, लोकसभा से पास होकर जाता है राज्यसभा में, और राज्यसभा में जब कंसिडरेशन के लिए फाइनेंस बिल या मनी बिल भेजा जाता है तो राज्यसभा के पास टोटल 14 डेज का टाइम पीरियड होता है। 14 डेज के अंदर अंदर या तो राज्यसभा उस बिल को पास करेगा या फिर वो अपने आप पास माना जाएगा, अगर 14 दिन के अंदर अंदर राज्यसभा उस पर कोई भी अपना सुजेशन नहीं देता तो। नेक्स्ट है, टू बी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एज एन ऑपोजिशन ग्रुप अ पार्टी और अ कोलिशन ऑफ पार्टीज मस्ट हैव एटलीस्ट 50 मेंबर्स। मिनिमम 50 मेंबर्स होने चाहिए लोकसभा में जब स्पीकर किसी भी पार्टी को ऑफिशियली ऑपोजिशन ग्रुप का नाम देता है या कोलिशन ऑफ पार्टीज है जो भी है, तो ऑपोजिशन के मिनिमम 50 मेंबर्स तो कम से कम होने ही चाहिए। नेक्स्ट है, द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश अकाउंट्स फॉर, उत्तर प्रदेश की लोकसभा में टोटल कितनी सीट्स है, तो वो है 80। नेक्स्ट है, व्हाट कुड बी द मैक्सिमम टाइम जोन ऑफ 0 आवर। अब पहले भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ये 0 आवर का मैक्सिमम टाइम लिमिट कितना होता है, 1 घंटे का होता है और इसमें जितने भी अर्जेंट टॉपिक्स होते हैं उन पे डिस्कशन होती है। नेक्स्ट है, आउट ऑफ 543 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज हाउ मेनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर फ्रॉम द स्टेट्स। टोटल 543 सीट्स है। अब 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से जो 530 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वो कहाँ से आती है, स्टेट से आती है, और जो 13 है वो कहाँ से इलेक्ट होकर आते हैं मेंबर, यूनियन टेरिटरी से आते हैं, और जो 2 मेंबर पीछे बचे हैं वो कहाँ से आते हैं, वो नॉमिनेटेड होते हैं। नॉमिनेट कौन करता है, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, राइट। तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, द फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा की पहली फीमेल स्पीकर कौन थी, तो वो थी मीरा कुमार। टाइम पीरियड क्या था, 2009 से लेकर 14 तक का। नेक्स्ट है, द स्पीकर ऑफ लोकसभा एड्रेसेस हिज लेटर ऑफ रेजिग्नेशन टू, लोकसभा की स्पीकर जब अपना रेजिग्नेशन देती है तो वो किसको देती है, लोकसभा के डिप्टी स्पीकर को। नेक्स्ट है, द स्पीकर ऑफ लोकसभा कैन बी रिमूव्ड बाय, अगर लोकसभा के स्पीकर को रिमूव करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, उसमें जो हाउस के मेजॉरिटी मेंबर्स है उनका रेजोल्यूशन अगर पास हो जाता है तो स्पीकर को रिमूव किया जा सकता है। अ रेजोल्यूशन ऑफ द लोकसभा पास्ड बाय द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस। नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ लोकसभा मेंबर्स हु कैन टेबल अ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मेंबर्स इज, तो कितने मेंबर्स चाहिए नो कॉन्फिडेंस मोशन को लाने के लिए, तो टोटल 50 मेंबर्स होने चाहिए। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 82 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा टू द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ द डैश सेंसस। अब जो लोकसभा की सीट्स है वो कौन सी सेंसस के बेसिस पे चलती आ रही है, 1971 के सेंसस के बेसिस पे।
राइट। अब ये कितने कौन से ईयर तक ये फ्रीज करी हुई है सीट्स, 2026 तक। 2026 के बाद जो भी पहली इलेक्शन होएगी उसके बाद ये जो सीट्स होएगी आगे जो है वो बढ़ या कम हो सकती है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एट प्रेजेंट। लोकसभा में टोटल इलेक्टेड मेंबर्स कितने हैं, 543 है। 543 इलेक्टेड है और दो नॉमिनेटेड है, टोटल कितने हैं, 545 मेंबर्स। नेक्स्ट है, फाइनेंस बिल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इज प्रेजेंटेड इन। फाइनेंस बिल जो होता है वो सबसे पहले लोअर हाउस में ही इंट्रोड्यूस होता है, लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है, मनी बिल हो फाइनेंस बिल हो। नेक्स्ट है, द ऑपोजिशन पार्टी स्टेटस इज अकॉर्डेड टू अ पॉलिटिकल पार्टी इन लोकसभा ओनली इफ इट कैप्चर्स एट लीस्ट 10% वोट्स। ऑपोजिशन पार्टी भी किसको माना जाता है लोकसभा में, उसी पार्टी को ऑपोजिशन पार्टी माना जाता है जिसकी 10% वोट्स होनी चाहिए। नेक्स्ट है, टोटल नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स। टोटल नंबर कितनी है लोकसभा सीट्स एट प्रेजेंट, 545। लोकसभा का टर्म कितना होता है, वैसे तो लोकसभा का जो टर्म है वो 5 years का होता है, बट इन केस ऑफ एमरजेंसी इसको आगे 1 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है, और जैसे ही एमरजेंसी खत्म होती है तो विद इन 6 months फ्रेश इलेक्शन करवानी पड़ती है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी, कैन बी एक्सटेंडेड बाय 1 year एट ए टाइम ड्यूरिंग द प्रोक्लामेशन ऑफ एमरजेंसी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आर रिलेटेड टू रेजिंग द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लोकसभा टू बी इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट्स। तो 7th and 31st अमेंडमेंट के थ्रू जो नंबर ऑफ मेंबर्स है वो इंक्रीज हुए थे, 31st अमेंडमेंट के थ्रू 525 में से जो नंबर ऑफ मेंबर्स थे वो कितने कर दिए गए थे, 545 मेंबर्स। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया वाइज। एरिया वाइज लोकसभा की लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, तो वो है लद्दाख की। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।